पक्षियों के बारे में बात करें, उनमें भी स्थलांतरित पक्षी जो है, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बात करें, तो उनके लिए सबसे बड़ा जो धोखा है, सबसे बड़ा थ्रेट जो है, वह है तालाबों का प्रदूषण। वह चाहे प्लास्टिक से हो सकता है, वह चाहे सीवेज वाटर से हो सकता है, वह बहुत सारे अलग कारणों से भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि तालाबों का जो बदलता इस्तेमाल है, हम अपने पारंपरिक इस्तेमाल से काफी हट चुके हैं। तो इस बदलते इस्तेमाल के कारण तालाबों का जो एक नैसर्गिक साधन करके हम जो इस्तेमाल कर सकते थे, करते थे, वह इस्तेमाल आज के डेट में नहीं हो रहा है, जिसके चलते तालाब में मछलियों की संख्या कम होना, तालाब में जो जल वनस्पति है उनकी संख्या कम होना, जिसके कारण माइग्रेटरी बर्ड्स की संख्या कम होना, वेडर्स जो होते हैं, जो मड में खाना ढूंढते हैं, कीड़े ढूंढते हैं, वह कम होना। तो इस तरीके से ये जो पूरा एक साइकिल है, जो साइकिल मतलब हमने काफी डिस्टर्ब किया है, तो इस डिस्टर्बेंस के वजह से जो हमारे यहाँ पे तालाबों में बर्ड्स आते हैं, उनका संरक्षण करना यह काफी जिम्मेदारी और विकट होती जा रही है। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि इस तालाबों का संवर्धन कैसे किया जाए, इन वाटर बॉडीज का प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। और जब ये तालाबों का इस्तेमाल सही तरीके से होना शुरू हो जाएगा, उसी वक्त मुझे लगता है कि ये इन माइग्रेटरी बर्ड्स का, इन स्थलांतरित पक्षियों का संवर्धन अपने आप ही हो जाएगा।